बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 18 अप्रैल 2020। तो देखते हैं आज के कौन से हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट एनुअली। ऑप्शन ए 16 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 18 अप्रैल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सी 18 अप्रैल। दिस इवेंट वॉज प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑन 18 अप्रैल 1982 एंड अप्रूव्ड बाई यूनेस्को इन 1983। द एम ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट टू प्रोमोट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमनिटी, देयर वल्नरेबिलिटी एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, It was first time in the history that a news channel announced that there is no news in their evening report in 1930. What was the date? Option A 18th April, B 17th April, C 19th April, D none of these. तो इसका सही जवाब है A 18th April. British Broadcasting Corporation BBC announced about no news on 18th April 1930 and it was amazing event in the history. 18 April 1930 में ये पहली मर्तबा था तारीख में कि BBC News ने शाम को अनाउंस किया कि आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। और फिर उन्होंने जो है पियानो की जो रिकॉर्डिंग थी, पियानो बजने की आवाज़, उसको उन्होंने टेलीकास्ट किया। तो आज का दिन जो है इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच अफ्रीकन कंट्री चेंज्ड इट्स नेम एज किंगडम ऑफ इस्वातिनी ऑन 18th अप्रैल 2018। ऑप्शन ए स्वाजीलैंड, बी लेसेथो, सी लाइबेरिया, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ए स्वाजीलैंड। It is a landlocked country in southern Africa with Mbabane as executive capital and Lubamba as legislative capital city. तो इसके दो capital हैं। जो executive capital है वो Mbabane है और जो इसका legislative capital है वो Lubamba है। Both South African Rand and Swazi Lilanjani are the official currencies. तो इसकी दो करेंसीज यूज़ होती हैं ऑफिशियल, एक साउथ अफ्रीकन रांड होती है और दूसरी इनकी जो अपनी लोकल करेंसी है स्वाज़ी लिलांजनी, ये दोनों ही इस मुल्क की करेंसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल बी हेड ऑफ एडहॉक काउंसिल टू रन PMDC। ऑप्शन ए एजाज अफजल खान, बी गुलजार अहमद, सी अहमद अली शेख, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ए एजाज अफजल खान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद अनाउंस्ड ऑर्डर जस्टिस रिटायर्ड एजाज अहमद खान, एजाज अफजल खान विल हेड द 11 मेंबर्स एडहॉक कमेटी टू रन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 5, Which financial institute stated recently that virus outbreak could cost Pakistan economy in range of $16.3 million to $4.95 million? Option A IMF, B IDA, C ADB, D none of these. तो इसका सही जवाब है सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान इकोनॉमी इज फेसिंग वर्स्ट सिचुएशन ड्यू टू द
स्प्रेड ऑफ कोविड 19। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान डिसाइडेड टू फ्लाई विच फ्लैग फॉर गिविंग करेज टू डॉक्टर्स नर्सेज एंड अदर मेडिकल स्टाफ ऑन 27th March 2020। ऑप्शन ए येलो फ्लैग, बी वाइट फ्लैग, सी ब्लैक फ्लैग, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी वाइट फ्लैग। Across the Pakistan, people have come out to balconies, rooftops, parks, and other public places, waving white flags to honor the doctors, nurses, and paramedics, the nation's heroes battling the ongoing COVID-19. Question number 7, who is focal person of Prime Minister of Pakistan for COVID-19? Option A, Dr. Zafar Mirza, बी फैसल सुल्तान, सी आजम सवाती, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी फैसल सुल्तान। डॉक्टर फैसल सुल्तान इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ शौकत खानम हॉस्पिटल। ये आप याद रखें कि ये जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम हॉस्पिटल के। Whom Prime Minister of Pakistan Imran Khan appointed as his focal person on COVID-19. Question number 8, where is headquarters of United Nations University? Option A, Geneva, B, New York, C, Tokyo, D, none of these. तो इसका सही जवाब है C, Tokyo, Japan. The United Nations University is the academic and research arm of the United Nations. Its aim to help resolving global issues related to human development and welfare through collaborative research and education. Question number 9, when the United Nations University was established? Option A, 1972, B, 1975, C, 1977, D, none of these. तो इसका सही जवाब है A, 1972. The United Nations University was founded in December 1972 by the United Nations General Assembly. Question number 10, who is the incumbent rector of the United Nations University? Option A, Cyril Ramaphosa, B, Dr. David M. Malone, C, David Malpass, D, none of these. तो इसका सही जवाब है B, Dr. David M. Malone. He is Canadian national and author on international security and development. He assumed his office on 1st March 2013. तो आज की वीडियो में इतना ही, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।